और आज फरीदाबाद से भी आप सभी भाइयों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लो मैं आ गई फिर आज एक नई खुशखबरी लेके, और खुशखबरी ये है कि 1 जुलाई जो कल थी उसमें हमें जो फरीदाबाद कोर्ट में, जब प्रोस्को कोर्ट में जो हमारा मुकदमा, हमने जो भी बच्चों के धर्म परिवर्तन के लिए सबूत पेश किए थे कोर्ट में, कोर्ट ने वो सब सबूत मंजूर कर लिए हैं, तो बहुत ही कामयाबी हमें मिली है, बहुत ही जीत मिली है। जो हमने कानूनी लड़ाई बच्चों के लिए किए थे उसमें हमें बड़ी जीत हासिल हुई है। तो मैं अब चला रही हूँ मोमिन जी का लाइव वीडियो, देखिए किस तरह हमें कामयाबी मिली है, क्या हमें हासिल हुआ है और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस केस को लेकर के। सुनिए जरा वीडियो, जरा पूरा देख कर जाना, और चलो फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। जिसपे सुनवाई हुई और हमारी दलीलों को सुनने के बाद तमाम पोस्को एक्ट की धाराओं में हमारी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया, और ऑनरेबल जज साहब ने हमें वो तमाम वीडियो, वो तमाम ऑडियो, वो तमाम सबूत जिसके अंदर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया गया, बच्चों को टॉर्चर कराया गया, जबरदस्ती नारे लगवाए गए, जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए गए, वो सारे सबूत, वीडियो, ऑडियो और जितने भी लोगों ने देखा, वो सारे गवाहों को कोर्ट ने बुला लिया है और कोर्ट ने कहा है कि तमाम सबूत जो है वो कोर्ट में जमा कीजिए। तो अब हम वो तमाम सबूत जो है फरीदाबाद की सेशन कोर्ट, पोस्को कोर्ट में वो तमाम सबूत देंगे, और उनको तमाम सबूत को देखने के बाद हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये सब लोगों को जेल होगी जिन्होंने मुसलमान, जो पाकिस्तानी बच्चे मुसलमान थे, उन पाकिस्तानी बच्चों का धर्म परिवर्तन किया। एक वकील होने के नाते ये क्या उनको शोभा देता था कि जो बाई बर्थ जो बच्चे मुसलमान हैं, बाई बर्थ बच्चे जिनकी खतना हुई हुई है और वो पाकिस्तान के, वो भारत के भी नहीं हैं, उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, उनके पहचान पत्र पाकिस्तानी हैं, उनके बर्थ प्रमाण पत्र, उनके जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सब पाकिस्तानी हैं, और वो पाकिस्तान से यहाँ भारत में आए हैं, उनको भारत की नागरिकता भी नहीं मिली है। ऐसे माइनर बच्चों को, ऐसे नाबालिग बच्चों को का जो धर्म परिवर्तन किया है, उस धर्म परिवर्तन को करने के जुल्म है, उनको 5 साल से और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना है, और उनको जेल भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा की सरकार और हमारी हरियाणा की सरकार एक कानून लेके आई थी, हरियाणा अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट 2022, जिसकी तहत जो है हमने ये कार्रवाई की है। अगर बच्चों पे किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती की जाती है, उनके माइंड को प्रेशराइज किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, और उनके साथ गंदी और नीच हरकतें, जो फोटो पीछे आप सभी ने देखे होंगे, हम तक भी पहुंचे हैं, इस प्रकार की हरकत कोई करता है तो सेक्शन 11A और 11B में, पोस्को एक्ट में, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। तो इन सारी धाराओं में हमने हमारी कार्रवाई को ऑनरेबल कोर्ट ने मंजूर किया है, हमारी याचिका को मंजूर किया, हमारी कंप्लेंट को मंजूर किया है, और तमाम सबूत कोर्ट में जमा करने का अपनी गवाही के साथ हमें आदेश दिया है, और हम तमाम सबूत वो कोर्ट में देंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी ये लोग जो है वो जेल में जल्द से जल्द जाएंगे। इनका समय आ गया है, इनको जितना झूठ फैलाना था, जितनी भारत के अंदर गंदगी फैलानी थी, जितनी भारतीय संस्कृति को खराब करना था, वो खराब कर चुके। अब ये कोर्ट, कोर्ट से घर, घर से कोर्ट, अब इनका ठिकाना जेल है, और ये बहुत जल्द जेल जाएंगे। आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। जो लोग ये कहती है कि कुछ नहीं कर रहे, तो ये वक्त बताएगा, जब आप जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे, उस वक्त आपको हमारी याद आएगी कि हाँ, उसने कुछ किया था। जब दीवारों की, जब जेल की दीवारों से टक्कर मार मार के रोओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसने क्या किया था। इंसानियत की ये लड़ाई है, हम आपको जेल पहुंचवा के रहेंगे और आपके बच्चों को हम हैदर को दिलवा के रहेंगे, ये हमारा आपसे, सारी दुनिया से वादा है, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, अब भी की है और आगे भी करते रहेंगे, और हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और कल आपके चैनल बंद होने की तारीख है, आपने भैया को APC को भेज देना कि वो सुप्रीम कोर्ट की वकालत छोड़ के वो पानीपत कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आकर के हमारा मुकाबला करे। कल सुबह सुबह 10 बजे कोर्ट लगेगी, आप भेज देना। आपके सारे चैनल परमात्मा ने चाहा तो ये बंद होंगे,
अगर किसी वजह से ये बंद ना हुए तो हम इस मामले की अपील करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है 101% कि ये सारे चैनल इसके बंद होंगे। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे जो है वो सबको हमने पार्टी बनाया था, वो लोग भी पेश होंगे। एसएचओ और जेवर एसएचओ हमने रबुपुरा को भी पार्टी बनाया था कि ये आपके एरिया में रह रही है, आपके रहते हुए सेक्शन 11A फॉरनर्स एक्ट 1947 का ये वायलेशन कैसे कर रही है, कैसे ये रील बना रही है, कैसे ये चैनल चला रही है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ को भी बुलाया, तो कल एसएचओ रबुपुरा भी कोर्ट पानीपत में पेश होंगे। और आज फरीदाबाद से भी आप सभी भाइयों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आने वाले समय में जो है वो जेवर कोर्ट में भी 4 तारीख लगी हुई है, आने वाले समय में वो सूरज कोर्ट में भी तारीख लगी हुई है, और तमाम उसके बाद 3 केस जो है हम चंडीगढ़ फाइल करने जा रहे हैं। इनको कभी चंडीगढ़, कभी सूरजपुर कोर्ट, कभी जेवर कोर्ट, कभी फरीदाबाद कोर्ट, तो कभी पानीपत कोर्ट। 1 तारीख आएगी तो दूसरी में जाएंगे, दूसरी आएगी तो तीसरी में जाएंगे। टैक्सी कर करके किराया दे दे के ये परेशान हो जाएंगे, जो इन्होंने ये जुल्म किए हैं, जो इन्होंने कानून की वायलेशन करी है। हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, भारतीय कानून बहुत मजबूत है, न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है। अपराध करके किसी भी अपराधी को जो है वो इस प्रकार की हरकत करने और बचने का अधिकार नहीं है। तो हमने कानूनी कार्रवाई की है और आगे भी आपके खिलाफ करते रहेंगे। और आप क्या कह रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, अगर आपके सामने कब्र में से आपकी माँ भी आ जाए तो एक बार तो आप उनको भी ये कह दोगे कि ये नहीं, मेरी माँ नहीं है। अगर कब्र में आपका पिताजी भी आ जाए तो उसको भी आप कह दो कि मेरा बाप नहीं है। ये तो शुक्र है जो मैंने कल बच्चों की तस्वीरें दिखाई, उनको देख के आपने ये नहीं कहा नहीं ये मेरे बच्चे नहीं है, क्योंकि शक्ल मिलती जुलती है। नहीं तो आपका बस चलता तो आप ये कह देते नहीं, ये जो मोमिन मलिक ने बच्चों की तस्वीर दिखाई ये मेरे बच्चों की नहीं है, ये अपने पड़ोसियों के बच्चों की दिखा दी, ये बोलना था। आज मैं एक तस्वीर इसके चाचा की, जो कि वहां की फौज में है, जो वहां काम करते हैं, वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास इनके पास आ चुका है। ये इनके चाचा हैं जिनका मैं चेहरा ढक दूंगा थोड़ा सा, लेकिन ये पहचान जाएगी, ये इसका चाचा है जो फौज में है। जब हम तेरे चाचा की भी तस्वीर निकाल सकते हैं जो फौज में है, तो तेरी तो औकात क्या है, तेरी कुछ औकात नहीं है, तेरी एक एक चीज। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। ये तो पहली सीढ़ी थी हमारी कामयाबी की, और हमें मंजिल आगे बढ़ना है मंजिल में, और हमें और कामयाबी हासिल करनी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना आप लोग की क्या राय है, और मोमिन मलिक के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं उनकी तारीफ में कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए शबाक है।